आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। सावन का पहला सोमवार बहुत ही शुभ दिन। भगवान शिव शंकर की पूजा, इच्छा पूर्ति का दिन। 19 साल बाद आया है ऐसा सावन, 59 दिनों का और 8 सोमवार का। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है ये सावन। आपने देखा कितने सारे शुभ संयोगों के साथ आया है ये सावन। 10 जुलाई को पहला सोमवार, शिव शंकर भोले बाबा के व्रत का, उनकी पूजा अर्चना करने का। पहला सोमवार सबसे ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप भी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, भक्ति भाव से भरे होते हो, तो पहला सोमवार सबसे खास है। भोलेनाथ भी अपने भक्तों पे कृपा बरसाने के लिए अटूर होते हैं। पहले सोमवार पे किया उपाय भी आपको बहुत जल्दी फल देता है और आपकी इच्छा पूरी करता है। बहुत लोग जो सारे व्रत नहीं कर पाते, वो पहला और आखिरी व्रत ज़रूर करते हैं। आप भी पहला सोमवार का व्रत ज़रूर करो। अपनी हेल्थ की वजह से अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो, तो कम से कम आज आप अन्न का त्याग करो। आप कूटू खाओ, फलियार खाओ। 10 जुलाई सोमवार के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। सावन के पहले सोमवार पर प्रदोष काल में पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है, वो है शाम को 5:38 से रात को 7:22 तक रहेगा। इस बार सावन में ही अधिक मास पड़ रहा है, तो भोलेनाथ के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा आपको करनी है। विष्णु जी वैसे तो क्षीर सागर में चले जाते हैं, पर अधिक मास के स्वामी भी भगवान विष्णु हैं, इसलिए सावन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी कुंडली के 9 ग्रह के जो दोष हैं, वो दूर होंगे। आप विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला जरूर करें। इस सावन में सोमवार की पूजा व्रत से आपको सुख सौभाग्य आपका बढ़ेगा, विवाह के योग बनेंगे, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप सुबह नहाकर शुद्ध कपड़े पहने, अपने दाहिने हाथ में आप जल लेकर आप 8 सोमवार या जितने भी सोमवार के व्रत कर रहे हैं उनका संकल्प लें। मंदिर में या घर में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी जी का गंगा जल से, यानी कि जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। भगवान शिव को चावल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन लगाएं। चंदन आप जब घिसते हैं तो आप एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए चंदन को घिसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप शिवलिंग पर भांग, धतूरा, सुपारी, बेलपत्र अर्पित करें। आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या उपाय करना है? पहले सावन के सोमवार पे यानी 10 जुलाई को आपको ये उपाय करना है। आप पंचामृत बनाएंगे, यानी आप दूध में दही, चीनी, घी, गंगाजल मिलाएंगे। साथ में उसमें आपको डालने हैं थोड़े से काले तिल। ये आप अभिषेक जो है पंचामृत का, वो आप चांदी के या फिर स्टील के लोटे से करेंगे। आप इसको मंदिर में लेके जाएंगे, लोटा अपने आगे मंदिर में भगवान शिव जी के सामने बैठकर अपने आगे रखेंगे और सबसे पहले आपको मंत्र जाप करना है, एक माला ओम क्रीम नमः शिवाय क्रीम ओम। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है, फिर आप ये लोटा अपना इच्छा बोलकर अपने माथे से लगाएंगे और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि आपका, आपकी जो भी इच्छा है वो भोलेनाथ पूरी करे। ओम नमः शिवाय कहते हुए, मंत्र जाप करते हुए आप ये पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, भोले बाबा पर चढ़ाएंगे। आज के दिन आप ज़रूरतमंदों में सफ़ेद खोए की मिठाई बांटें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सावन में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये चमत्कारी सावन है, इसमें जितना हो सके आप पूजा, उपाय, व्रत ज़रूर करें। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।
बस आप गलतियां ना करें, ताकि आपको आपकी पूजा का, आपके व्रत का, आपके उपाय का आपको पूर्ण लाभ मिल सके। ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करें, सबको लाभ दें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सो सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड वेंगशुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। आत्मा नमस्ते।